चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आप लोग देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल एके टेक पॉइंट। सो गाइस, देखो कल मेरे को Instagram पे बहुत से लोगों ने पूछा, कल क्या मेरे को एक हफ्ते से लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम बिना ग्राफिक्स कार्ड के अपने कंप्यूटर के अंदर भारी से भारी गेम और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, जिसमें हम लोग को ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट हो और हम लोग ग्राफिक्स कार्ड ना लगा करके कोई ट्रिक से हम लोग जो है अपने सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो देखो, ये सब जो चीज़ें होने वाली हैं ना कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसकी वजह से हम अपने कंप्यूटर के अंदर इस तरीके का फलाना ढमकाना चीज़ कर सकते हैं। सो अभी हम लोग आज वीडियो में इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो अभी देखना वीडियो शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ जो आप लोग अपना लो, नहीं तो आप लोग के लिए भी हानिकारक है और आपके पीसी के लिए भी हानिकारक तो ज़रूर से ही ज़रूर है। ठीक है, अभी एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, देन उसके बाद जो कि हम लोग वीडियो में मिलते हैं। तो कैसे हम लोग वापस आ चुके हैं अपने वीडियो के अंदर। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो लोग यही पूछ रहे हैं कि बिना ग्राफिक्स कार्ड के खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं। पहले मैं आप लोग को एक ग्राफिक्स कार्ड जो कि एक्सप्लेन करा देता हूँ। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड एक ऐसा धातु होता है जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, जिससे आप लोग का जो गेम्स है, मतलब एक जो गेम्स मिली है, गेम्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, तो जो गेम्स होती है ना, उसमें जो अल्ट्रा ग्राफिक्स होती है, रियलिस्टिक ग्राफिक्स होती है ना, वो जो है मतलब अपनी तरफ से वो ग्राफिक्स देता है। मतलब ये ग्राफिक्स कार्ड है, समझ लो ये ग्राफिक्स जो आपकी गेम की है ना, उसको और बेहतरीन बनाता है कि आप लोगों को गेम्स खेलने में मज़ा है और आपकी गेम बिल्कुल फंसे नहीं। ये देखो, जब आप कोई भारी गेम खेलते हो ना, तो ग्राफिक्स कार्ड का ही एक मसला फंसता है, जिसमें आप लोग की गेम लैग करती है और आप लोग गेम में बिल्कुल भी ज़रा से भी रियलिस्टिक ग्राफिक्स नहीं होती भाई। चाहे जितना रियलिस्टिक गेम्स हो, चाहे GTA 5 तक ना हो, मैं GTA 5 की बात इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो एक बेहतरीन रियलिस्टिक ग्राफिक्स गेमों में से एक गेम माना जाता है। ठीक है, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो ग्राफिक्स कार्ड जो होता है ना, वो बेहतरीन ग्राफिक्स कर देता है गेम की और बिना लैगनेस ख़त्म कर देता है जो आपकी गेम के अंदर होती है। ठीक है, कल मेरे को एक और कमेंट आया था, ये बात मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि भाई मेरे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, मैं नाम नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को चेक करना है तो आप लोग मेरा नीचे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे फॉलो भी कर लो और यार मेरी स्टोरी भी पड़ी होगी, वहाँ पे जाके चेक कर लो कि वो दो सॉफ्टवेयर कौन से हैं। ठीक है, तो वो जो दो सॉफ्टवेयर है उससे आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें लिखा, उसने भेजा था मेरे को कि हम इसमें रैम बढ़ा सकते हैं, और उससे रैम बढ़ा के मैंने एक सॉफ्टवेयर चलाया है Resolve 18। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने वो दो सॉफ्टवेयर के बारे में जानता हूँ क्या होता है वो। तो उसने कहा कि भाई आपकी जो कंप्यूटर है 4GB से 8GB रैम की पावर देने लगेगा आपका कंप्यूटर और भी फलाना ढिमकाना। तो देखो यार, ये तो होता नहीं है ना कि सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करो और पता नहीं कौन कौन सी शक्तियाँ आके आपके कंप्यूटर के अंदर और एक और रैम की स्टिक बन के वो लग जाएगी और उसके बाद एक कई ज़्यादा रैम स्टिक हो जाएगी जितनी आप चाहो वो भी फ्री में। तो यार ऐसा नहीं होता है, मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। देखो ये जो इसका मसला होता है ना, इसका मसला को मैं सुलझा देता हूँ। ये जो दो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो दो सॉफ्टवेयर हैं ये करते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वही इस वीडियो को देख रहे हैं कि मैं ग्राफिक्स कार्ड लगा के गेम नहीं खेल सकता कि खेल सकता हूँ, तो उसी को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो जिनके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जैसे डुअल कोर का प्रोसेसर हो गया और मतलब i3 जनरेशन नहीं है, और जो आपका अंदर 2GB रैम लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर और आपके 500GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है, तो देखो जो ये चक्कर होता है ना, और 2GB रैम लगी हुई ग्राफिक्स कार्ड है नहीं, तो अब आप लोग देखो यहाँ पे क्या करता है। अब ये जो इतना कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन है ना, इसमें आप लोग की गेम चल जाएगी, माइनक्राफ्ट आप लोग की चल जाएगी, किस तरीके से चलेगी, दोनों सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आप लोग की जो पीसी की मतलब जो देखो पीसी तीन भाग में बटा होता है। ठीक है, एक आपके हार्ड ड्राइव में बटा होता है, एक आपकी रैम में बटा होता है और आपकी एक प्रोसेसर में बटा होता है। ठीक है, तो आधा ज़्यादा लोड जो अगर आप लोग की HDD भरी हुई है, ठीक है, HDD भरी हुई है आप लोग की, तो मतलब उसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। अब रैम आपकी इतनी कम है और उसके अंदर आप लोग इतने ज़्यादा जो कि वो डेटा भरे हुए हो, जिसके वजह से और लोड पड़ जाता है और वो वेरी स्लो में आ जाता है। ठीक है,
अब आप जो प्रोसेसर कम है ये दोनों के लोड से आपके प्रोसेसर पे असर पड़ता है, तो ये हो जाता है अल्ट्रा लो, जिसकी वजह से आपकी गेम नहीं चलती है। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, आपके जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर के जो मतलब भारी भारी जो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, मतलब जैसे आपके अंदर एंटीवायरस पड़ा हुआ है तो एंटीवायरस चल रहा है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने बैकग्राउंड में जो चल रहे हैं उनको ये बंद कर देता है एक तरीके से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और आप लोग के कुछ डेटा अंदर से भी डिलीट कर देता है जो आप लोग की मेन ज़्यादा से ज़्यादा फाइल्स होती हैं, और बहुत सारी ये DLL मतलब जो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, और बहुत सारी जो DLL फाइल्स होती हैं विंडोज़ की वो क्रैश कर देता है, और जिसकी वजह से आप लोग का विंडो भी क्रैश होने का डर रहता है और अजीब अजीब प्रॉब्लम आने लगती है विंडो के अंदर। तो यही होता है, ये चीज़ करने के बाद ये दो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जितना आपका CPU जो होता है ना, जब पूरी जितनी पावर होती है ना आपके CPU के अंदर, वो सारी पावर उठा के आपके गेम के अंदर डाल देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी गेम रन हो जाती है, लेकिन वो मज़ा नहीं होता है जो स्मूथ गेम खेलने में होता है। ऐसे आप करोगे ना तो आपकी माइनक्राफ्ट चल जाएगी, लेकिन इससे कितने डिसएडवांटेजेस है, आपका एक एंटीवायरस बंद हो जाएगा कि आप लोग पता नहीं वो सॉफ्टवेयर अंदर क्या क्या करता रहे, आप लोग को मालूम तो है नहीं, आपकी कुछ DLL फाइल डिलीट हो जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट्स आप लोग के जो डेटा होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, कुछ भी ये दो सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर से कुछ भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो बी अवेयर, यानी मैं आप लोग अवेयर कर रहा हूँ, आप लोग कायदे से रहना, अलर्ट, लाल लाल बत्ती अलर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोग डिक्लेयर कर दी, तो प्लीज़ आप लोग कोई भी ऐसी वीडियो मत देखो जिसमें आप लोग बता रहे भाई 4GB से रैम करके 8GB बढ़ा सकते हो और ये सब कर सकते हो, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप लोग जो स्पेसिफिकेशन भैया आप लोग की मतलब प्रैक्टिकली दे दी गई कि भैया इसमें 8GB लगनी है, तो भैया वो 4GB वाले क्यों बना रहे भाई, 4GB की स्टिक क्यों आ रही है, नहीं आना चाहिए यार, ख़त्म हो जाए सॉफ्टवेयर बनने लगे तो यार बहुत बढ़िया बात है। और वो बहुत से लोग कहते हैं वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले क्या पागल है जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, नहीं भाई वो पागल नहीं है, उनको क्या करना है, वो बस यही जो मैंने बताया ना वो ये काम कराते हैं, और बाकी ये किसी के बारे में सोचते नहीं कि किसी के पास क्या है किसके पास क्या, उनको बस पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो मैं पैसे कमाने वालों को समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी तीसरी बात, मैं ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर वापस से आता हूँ, तो भाई देखो मैं यहाँ पे 2-3 गेम बात करने वाला हूँ। ठीक है, एक मारियो का कंपैरिजन और GTA 5 का कंपैरिजन करने वाला हूँ। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ठीक है, मारियो आप लोग इंस्टॉल करते हो, मारियो के अंदर क्या रहता है, हरा कलर रहता है, नीला कलर रहता है, लाल कलर रहता है, मतलब नॉर्मल कलर्स होते हैं, रियलिस्टिक ग्राफिक्स नहीं होती है, मैं ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हल्की फुल्की ग्राफिक्स होती है जो आपका कंप्यूटर उठा लेता है, इसमें आप लोग बिना ग्राफिक्स कार्ड के खेल सकते हो। ठीक है, उसमें कोई आपके पानी की बारिश का पानी नहीं होता है उसमें कि एक एक बूंद की जो रिफ्लेक्शन दिखे। ठीक है, आप लोग का जो गाड़ी चलता रहा यानी मारियो जो आप लोग का उछलता रहे उसके पसीना बहता रहे वो सब नहीं होता उसमें, उसमें खाली कार्टून की तरह है, वो कार्टून एनिमेशन है, एनिमेशन की तरह वो चलता रहता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग को ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अगर उस मिनिमम गेम से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो GTA Vice City आता है, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड वाले गेम्स की, जैसे GTA 5 हो गया, PUBG हो गया आप लोग का फेवरेट, और Fortnite हो गया, ये सब जो गेम्स होते हैं ना इसमें ग्राफिक्स की बात होती है, सब हाई क्वालिफाइज गेम होते हैं। ठीक है, अब GTA 5 है, अब जब बारिश होती है GTA 5 में, Grand Theft Auto 5 मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये मैंने बताया कि आप लोगों को ये जाने माने गेम्स अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स जाने माने गेम्स में से ये एक गेम मानी जाती है और ये मेरे ख्याल से टॉप नंबर पे ही आती है। ठीक है, तो ये जो गेम होती है ना, तो इसके अंदर जब बारिश होती है तो आप लोग को पानी का रिफ्लेक्शन दिखता है, जब आप लोग गाड़ी पानी के ऊपर से लेके जाते हो ना, छींटे पड़ती है पानी के, तो इतनी तगड़ी ग्राफिक्स लाने के लिए आप लोग को ग्राफिक्स कार्ड अच्छा लगवाना ही पड़ता है। अगर आप लोग नहीं ग्राफिक्स कार्ड लगवा के अपने कंप्यूटर के अंदर चलाओगे ना, तो कंप्यूटर की माँ कुछ नहीं, समझ में नॉर्मल। ठीक है, तो आप लोग का जो कंप्यूटर वो झेल नहीं पाएगा यार, कैसे बता रहे हो यार, मतलब झेल जाएगा, अगर मान लो चल भी गया, आप लोग ने वही दो सॉफ्टवेयर को यूज़ भी कर लिया, तो क्या मज़ा आएगा खेलने में, कार्टून की तरह गाड़ी आएगी और कार्टून की तरह निकल जाएगी, खेलने का क्या मज़ा है, इससे अच्छा तो अपना GTA San Andreas GTA Vice City खेलो, क्या लेना देना यार। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो ग्राफिक्स वाले गेम जिसमें ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है जिन गेमों में, तो वो गेम में आप लोग को ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि वो गेम ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से ही बनते हैं, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से ही दी जाती है कि आप इतना वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाओगे तो आपको इतनी ग्राफिक्स जो कि वो देखने को मिलेगी, और ग्राफिक्स वाले गेम्स हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो अब देखो माइंड में ऐसा कोई भी कंफ्यूजन मत लो, अब आप लोग को सेलेक्ट करना है कि आप लोग ग्राफिक्स कार्ड लगवाना चाहिए अपने कंप्यूटर में कि नहीं, आप लोग को वो दो सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए कि नहीं, वैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि मत करिए, और आप लोग अपने
जो है कंप्यूटर के अंदर रैम वैम किस तरीके का क्या है जो भी है आप लोग यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को नीचे लाइक करना, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी चीज़ें जो कि वो डिक्लेयर कर दी एक ही वीडियो के अंदर। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताओ कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें नहीं होती और ये अंधविश्वास करना बंद करो। अंधविश्वास होते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास करना बंद करो, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको ज़रूर से दबा देना, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना, बाय बाय।